I think somebody else. हेलो पुलकित, हाय. मेरा क्वेश्चन आपसे है पुलकित, आपका जो पोस्टर है उस पर टैगलाइन है गोइंग वाइल्ड. यस. तो इन रियल लाइफ आप कभी वाइल्ड हुए हैं? एवरी ओह माय मॉम इज हियर दो. एवरी नाइट आई एम वेरी वाइल्ड. सीरियसली ही गोज टू स्लीप एट 8:30 विद वाइल्ड थॉट्स. यस. रिचा, आपसे भी क्वेश्चन है. हमने ट्रेलर में देखा है एक सीन में आप नागिन ड्रेस में हैं, तो भोली पंजाबन जो सबको अपने इशारों पे नचा रही है, क्या उसको भी कोई नचा रहा है? नहीं नहीं, मैं वो टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन करने गई थी. नागिन शो है ना, बहुत पॉपुलर. हाँ. तो मैं उसके लिए फिल्म में उसके लिए ऑडिशन करने जाती हूँ. जेल से निकलने के बाद मुझे काम नहीं मिलता, मेरे धंधे वंदे बंद करा दिए इन्होंने. तो मैंने कहा नागिन सीरियल बहुत पॉपुलर है, इसलिए मैं नागिन गेटअप में आई थी. सच्ची? अब तो वी हैव हर्ड मोनी रॉय इज आल्सो नॉट देयर, सो शी इज गोना बी देयर ना. क्या हुआ, सब डर गए क्या? वो शर्मा के पीछे वो पूछ लो यार, क्या बोल रहे हो? अरे संजीव नहीं, हाँ पकड़ो पकड़ो. हाय रिचा, फुकरे रिटर्न्स है. क्या क्या फुकरी चीजें करते हैं ये सब लोग? ये इतनी अच्छी आवाज से आप इतना शर्मा रही थी? मैं बिल्कुल नहीं शर्मा रही थी, मैंने संजीवनी को बुलाया था, वो माइक लेकर आ गई. फुकरे रिटर्न्स में हम लोग मैं करवाती हूँ, ये बेचारे क्या करेंगे खुद से. तो थोड़े स्कैम वैम करवाती हूँ. अब क्या है, हमने नए नोट यूज किए शूटिंग में, पुराने मिक्स. तो ऐसे ऐसे काम किया हमने फिल्म के अंदर. स्कैम है, ये लोग फंसते हैं. रिस्क मुझ पे नहीं आना चाहिए. इस बार जो आपने ट्रेलर में देखा उसके अलावा भी फिल्म में मैं कहूँगी एक बड़ा सरप्राइज़ है. तो वो अभी रिवील नहीं कर सकते, डायरेक्टर साथ ही में बैठे हैं. बट और आप बिल्ला हलवाई तक बिल्कुल सेम है, वो इसको वैसे ही टॉर्चर करने वाले हैं. तो ये मेरा एक बहुत बड़ा सपना है जो पूरा हो गया. जी पंकज जी, आप बताइए, आप जो भी एक्टिंग करते हैं आप अपनी छाप छोड़ जाते हैं, तो किस तरह का किरदार करेंगे आप और क्या कुछ धमाका करने वाले हैं यहाँ पर फुकरे रिटर्न्स पर? वही छाप छोड़ दूंगा फिर. पंकज सर के पास चार शब्द हैं जो बिल्कुल, आप कार्बन होता है ना दो पन्नों के बीच में जो लगाते हैं, उसका काम है छाप छोड़ना, ऊपर का मार्क नीचे कर दे. तो मैं फिल्म दर फिल्म पिछले फिल्म का मार्क अगली फिल्म में दे जाऊंगा, ये वादा है. विशाखा जी बहुत लंबे टाइम के बाद दिखाई देती है, हमने आपको फुकरे में देखा था, देना फुकरे रिटर्न में, मतलब मैं सिर्फ एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ ही काम करती हूं, तो ये लोग हर दो तीन साल में मुझे बुला लेते हैं, मैं आ जाती हूं. अली जी आप बताइए, बाल वाल कटा लिया आपने, कोई खास वजह? सबकी खबर है, मिल गया मुझे, थोड़े पैसे कमा लिए, हेयर कट ले ली. I don't know what's your question, पूछो. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस नागिन के साथ में और लोगों के साथ में? अच्छा था, बहुत अच्छा था. It was nice, it was very nice. मजा आया. हम लोग actually क्या था ना कि it wasn't even like a reunion, क्योंकि हम लोग तीन साल एक दूसरे से मिले हैं, जुले हैं, काफी chill किया है. अच्छा यार वो फ्राइडे को शूट शुरू हो रही है, लेट्स गो, लेट्स हैव फन. रितेश जी एक आखिरी सवाल. सॉरी सर, वी जस्ट क्विकली सर, हम ऐसा माने कि अब चार साल के बाद आपकी फुकरे रिटर्न आई है, तो अब ऑक्टोपस ऐसी भविष्यवाणी करे कि या हम मीडिया वाले ऐसी भविष्यवाणी करे कि 2022 में आप फुकरे 3 लाएंगे? आप भले करिए, लेकिन वो ट्रू होगा कि नहीं वो तो मृगी बता पाएंगे. बट ऑफकोर्स अगर आपको ये फिल्म भी बहुत पसंद आई, and we can think again of a story, because agar aapko ye pasand aayi to hi we'll be able to make the third part of it. But of course it's characters which, like said, people love, they want to see more of them. We should continue doing that as long as organically the story can be told forward, but it shouldn't be forced ki yaar hame ek third part banana hai just for the heck of it, make it. No, I don't think that should be the agenda of anybody. I think it's a franchise which can keep going, we will take it. मैं बोल रही थी तू मुझे बाहर मिलियो. हम तो रोज ही मिलते हैं.
Yeah, I think somebody else also. I think let them ask 2-3 more questions. All right, go for it. Somebody needs to give her a mic. Express. Express sunai diye. Hi, I'm Priyanka. So we've read that you will be starting shooting of your next Hollywood project. So if you could talk about it a little bit. I'll lose the project if I talk about it. But I'm really excited. I'm very excited. I've just finished one. So, you know, we've just had a wonderful release. Not here, but. Is it true that it's a biopic? Yes, it is. Yes, it is. Thanks. Hi, Runa. इसमें बहुत सारे लॉटरी की बात हो रही है आप लोगों में से कितने लोगों ने लॉटरी खेली है एक्चुअली और हारे या जीते हैं ओके मैंने दिवाली मेले पे सिर्फ लकी 7 खेला है सबने जिंदगी की लॉटरी खेली है एक्टर बनने का सोचा वो बहुत बड़ी लॉटरी है मैंने एक्टिंग करना मैं बचपन में लोगों को देखता था लॉटरी खरीदते थे तो मैं छुप के जाके 5 रुपए की लॉटरी 10 रुपए की लॉटरी ऐसे खरीदता था मेरी मम्मी यहाँ बैठी है रोज चप्पल पड़ती थी मुझे उनसे एवरी टाइम डिड यू एवर विन इट दो जूते पड़ते थे फट जाती थी लॉटरी की टिकट चेक करने की थोड़ी मेरे में होती थी हिम्मत एनी मोर क्वेश्चंस पुलकित जी फुकरे रिटर्न के लिए एक्साइटेड है या टाइगर जिंदा है के लिए चुपके चुपके क्यों बोल रहा है देखिए आई विल बी वेरी एक्साइटेड व्हेन फुकरे रिटर्न का ओवरफ्लो गोज इनटू टाइगर आई विल बी वेरी एक्साइटेड हम भी सपने देखते हैं यार तुमने सपना पूछा ना हेलो सारी फिल्में चलनी चाहिए ना मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा भिड़ाते क्यों फिल्मों को हेलो आईपीएल दौड़ना पूछो पूछो और पूछो हेलो मेरे दोस्त की फिल्म है आई वुड लाइक टू विश हिम ऑल द बेस्ट अली इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड टाइगर जिसकी फिल्म है सो एवरी फिल्म शुड वर्क या हेलो या रिचा ओवर हियर या आपने पहले भी संजय लीला भंसाली के साथ काम किया हुआ है तो आपका क्या टेक है ये पूरे पद्मावती के जो कंट्रोवर्सी हो रही है उस पर क्या कंट्रोवर्सी पद्मावती के लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है अभी पहली बात तो मुझे आपको बताना पड़ेगा क्या हो रहा है क्योंकि हम लोग अपनी फिल्म में मसरूफ हैं जैसा कि होना चाहिए ओके रिचा पद्मावती के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है हर जगह हर सिटी में बिना फिल्म को देखे करनी सेना एंड ऑल बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है क्या आपको लगता है लोगों को इतना जजमेंटल होना चाहिए फिल्म को लेके मुझे ये लगता है का पार्ट है अच्छा मैं जो भी कहूँ वो मुद्दा बन जाएगा तो मैं प्यार से कहती हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं भी हिंदू हूँ और मुझे नहीं लगता इतना कच्चा होता है धर्म कि एक पिक्चर से टूट जाए और मुझे लग बिल्कुल और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की खासियत ये है कि हम डेमोक्रेसी हैं तो पिक्चर देख लें उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शंस हो तो क्योंकि हमारे देश में एक बॉडी है जो फिल्मों को सर्टिफाई करती है तो वो पहले अपना काम कर चुकी है और मुझे अपने फेथ अपने कल्चर अपने ट्रेडिशन में इतना विश्वास है कि वो दो